प्लास्टिक छोड़ो। राजधानी रायपुर में नो प्लास्टिक डे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महंत लक्ष्मी नारायण दास महाविद्यालय में जागरूकता अभियान चलाया गया। प्लास्टिक से लगातार कैंसर की बढ़ती समस्याओं के प्रति युवाओं को जागरूक करना व प्लास्टिक के उपयोग न करने को लेकर शपथ दिलाई गई। महंत कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर देवाशीष मुखर्जी ने बताया कि प्लास्टिक जीवन के लिए बेहद ही हानिकारक है और नो प्लास्टिक डे के अवसर पर आज महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को शपथ दिलाया गया। रोज अपन पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से जानवर मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं, पॉलीथिन में चाय ले जाके रोज पी रहा है वो आदमी कैंसर का शिकार हो रहा है, मगर लोगों को अभी भी इसकी जानकारी पूरी नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ये शामिल हो चुका है प्लास्टिक, तो बहुत जल्दी तो हम इससे दूर नहीं हो पा रहे हैं, मगर जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों को पता लग रहा है कि इससे बीमारियाँ हो रही है, दूर होते जा रहे हैं। इसी में नगर निगम, जिला प्रशासन और स्मार्ट सिटी आज 1 तारीख को एक कैंपेन चला रहा है नो प्लास्टिक पे, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभी हम प्रचार वगैरह कर रहे हैं। तो आज हमने महंत कॉलेज से शुरुआत की है अपने कार्यक्रम की, सहयोग एक कोशिश की तरफ से। आज नो प्लास्टिक डे है, मैं युवाओं से अपील करूंगी कि वो प्लास्टिक का उपयोग बंद करें और थैला अपनाएं और देश को स्वच्छ बनाएं, क्योंकि देश में रहने से अगर प्लास्टिक का यूज़ करना हम लोग के लिए हार्मफुल है तो थैला अपनाने में कोई भी शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर लोग खुद ही अपने तरीके से अपने आप से जब तक वो खुद से अपना अपनाएंगे नहीं, जिम्मेदारी नहीं लेंगे छोड़ने का कि प्लास्टिक हमारे लिए हार्मफुल है, तब तक नगर निगम कुछ भी नहीं कर सकता, हमें खुद ही उसके लिए स्टेप लेना पड़ेगा। जी, प्लास्टिक से आज के युवा पीढ़ियों को सबसे ज़्यादा नुकसान है, चाय ले जा रहे हैं उससे कैंसर का शिकार हो रहे हैं। आज हम सभी युवा पीढ़ी एक प्रण लेते हैं कि प्लास्टिक मुक्त भारत हो और सभी प्लास्टिक का यूज़ ना करें। युवा देखो, चाय तो छोड़ नहीं सकते, किंतु इसका दूसरा समाधान खोजा जाए और आगे बढ़ा जाए। मैं शपथ लेता हूँ कि रायपुर को स्वच्छ व सुंदर बनाने में हमेशा सहयोग करूँगा। कैमरामैन ताकेश्वर पाहू के साथ राहुल चौबे की रिपोर्ट। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।